फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी विद बजट। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ गुड वाइब का एक और प्रोडक्ट। यहाँ मैं बात कर रही हूँ गुड वाइब की एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम के बारे में, जो डे क्रीम है। और ये जो जितने भी प्रोडक्ट हैं, ये सारे क्रूल्टी फ्री होते हैं, पैराबन फ्री होते हैं, सल्फेट फ्री होते हैं। सो ये आपकी स्किन को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे। हाँ, इसमें केमिकल के तौर पर सिर्फ फ्रेग्रेंस वगैरह डाली जाती है या प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, जिससे कि आपकी जो ये क्रीम है ये थोड़े दिनों तक स्टोर की जा सके। अदरवाइज इसमें कोई भी हार्म केमिकल नहीं डला होता है जो आपकी स्किन को हार्म पहुंचा सके। सो ये थी गुड वाइब्स की इन्फॉर्मेशन। ये कह सकते हैं कि गुड वाइब एक नेचुरल या हर्बल ब्रांड है। सो यहां मैं बात कर रही हूँ गुड वाइब्स की एक क्रीम के बारे में, जो है ये गुड वाइब्स वाइन लाइटनिंग फेस क्रीम। सबसे पहले बात, ये डे क्रीम है एंड गुड वाइब्स के बहुत सारे वेरिएंट आते हैं डे क्रीम के। तो उन अगर आप purple.com पर जाते हैं तो आपको इसके सारे वेरिएंट आपको नजर आ जाएंगे। सो ये है वाइन लाइटनिंग फेस क्रीम, जो आपके फेस के जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं उनको लाइटन अप करती है एंड आपकी स्किन को ब्राइटन अप करती है। एंड दिस इज नो पैराबन, नो सल्फेट, क्रूल्टी फ्री एंड नो मिनरल ऑयल क्रीम। सो ये थे इसके बारे में डिस्क्लेमर। एंड इसके जो की इंग्रेडिएंट हैं वो इसमें सारे के सारे मेंशन हैं। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो है 2018 से लेकर 2020 तक। इसकी जो एमआरपी है वो 225 रुपए है। इसकी आपको थोड़ा सा अमाउंट लेना है एंड आपने फेस पर इसको अप्लाई करना है आफ्टर, अगर आप सीरम को यूज करते हैं उसके बाद, क्योंकि एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। सर्दियों में हमारी स्किन को बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजेशन की जरूरत होती है, तो हम ढूंढते हैं कि हमें कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर मिल जाए। सो ये जो मॉइस्चराइजर क्रीम है या डे क्रीम है, ये वाइन से बनी हुई है। बेसिकली वाइन जो होते हैं ये एक तरीके के फ्रूट्स होते हैं जो कि विदेश में पाए जाते हैं। एंड विदेश में इन फ्रूट्स को एज अ फेस पैक या एज जो वाइन जो होती है वो फेस के लिए, हमारी हेल्थ के लिए जो होते हैं, जो फाइन फ्रूट्स जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। सो ये है क्रीम एंड ये सल्फेट फ्री एंड क्रूल्टी फ्री क्रीम है। सो इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके का है, प्योर पिंक इसका फॉर्मूला है एंड ये थोड़ी थिक है क्रीम। एंड अगर आप इसको अप्लाई करेंगे अपने फेस पर तो ये बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई होगी। इट मींस कि ये आपके फेस को बिल्कुल मॉइस्चराइज कर देगी। ये मैं बता दूं कि कौन सी स्किन टाइप के लोग यूज कर सकते हैं इसको। सर्दियों में ऑयली स्किन वाले यूज कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि ये गर्मियों में भी ऑयली स्किन वाले यूज कर पाएंगे, बिकॉज इसे यूज करने के बाद थोड़ी, मतलब ये एक तो देर में एब्जॉर्ब हो रही है एंड ये थोड़ी सी स्किन को थोड़ा ऑयली ऑयली चिपचिपा चिपचिपा लग रहा है। ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी क्रीम है ये एंड ऑयली स्किन वालों के लिए भी अच्छी है, बट ये सर्दियों में ही इसे ऑयली स्किन वाले यूज कर सकते हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। क्योंकि बहुत से स्किन टाइप के लोग होते हैं तो अलग अलग स्किन टाइप के लिए अलग अलग क्रीम्स होती हैं, लेकिन जो ये क्रीम जो मैंने मंगाई है ये मुझे नहीं लगता कि मैं इसको गर्मियों में यूज कर पाऊंगी। इसका जो टेक्स्चर है, इसका जो फॉर्मूला है वो हल्का सा ग्रीसी लगा मुझे एंड मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा ग्रीसी है, पर हल्का सा ग्रीसी लगा। एंड इसके बाद मुझे फिलहाल सर्दियों में कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इसके बाद मुझे कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना पड़ा क्योंकि ये बहुत ज्यादा चिपचिपा सा लग रहा था। एंड मैं कोई बीबी या सीसी क्रीम डेली यूज में नहीं अप्लाई करती हूँ ना फाउंडेशन, सो मैं इसको क्रीम को लगाया एंड देन इसको 5 मिनट के बाद मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर यूज किया। तो ये था मेरा इसको यूज करने का तरीका। क्रीम अच्छी है, क्रीम की कंसिस्टेंसी अच्छी है, क्रीम का जो इफेक्ट है वो 5 दिन में नहीं दिखेगा, ऑलमोस्ट 1 मंथ या 2 मंथ आपको अप्लाई करनी पड़ेगी तभी आपको इसका इफेक्ट नजर आएगा। सो अगर मेरा ये रिव्यू आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा एंड मेरी वीडियो को लाइक करने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।